So, what's up guys? Good morning, अड़ाओ चश्मा श्रवो, भाई का दिन आ गया है, एकदम भाई की मौज आने वाली है, क्योंकि भाई की थार रॉक्स, भोपाल की पहली थार रॉक्स आने वाली है 12 तारीख को दोपहर 12 बजे डिलीवरी लेने जाएंगे, मस्त और शहर में रोला काटेंगे, आग लगा देंगे, आग, और थार रॉक्स के बाद आएगी सीधा डिफेंडर, ये बात ध्यान रखियो। एंड गाइस, ये है अपनी पिद्दी, आप हैप्पी हो कि नहीं हो? ये तुम्हें पता है कि मैं थार उसके पीछे कितनी देर से पड़ा हुआ था, कितनी टेंशन में था, पता? मेरे को नींदें उड़ गई थी मेरी कि मुझे पहली थार चाहिए। मैं कितना परेशान हुआ, मैंने कितने लोगों से फ़ोन फान लगवा के, नेताजी लोगों से, तब जाके मेरा काम हुआ, मुझे गाड़ी आज मिल रही है फाइनली। आज नहीं, अब मिलने को आज भी मिल सकती है, गाड़ी यार्ड में खड़ी हुई है, बट वो देंगे ऑफिशियली 12 तारीख को, वो महिंद्रा का ही डेट है, मतलब ऑफिशियली उस डेट के पहले किसी को गाड़ी चलाने को नहीं मिल सकती डिलीवरी के पहले। स्कॉर्पियो पुराना प्रोडक्ट हो चुका है, 2 साल बाद थार रॉक भी हो जाएगा, हम कौन सा 2 साल चलाने वाले हैं, हैं? स्कॉर्पियो ले लेंगे ऐसे टोरे वोरे के लिए कभी, अगर पैसा कमा लिया तो क्या ही दिक्कत है यार। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है ना, अभी मेरे को जाना है वहाँ पे, एक छोटे से डाउन पेमेंट करना है शोरूम वालों को, वैसे तो मेरे को उनको टोटल 28 से 30 लाख रुपये पे करना है, 28 लाख रुपये पे करना है पूरे, मेरे को 28 लाख की गाड़ी पड़ रही है, बट मैं उनको अभी सिर्फ 2 लाख रुपए का वो देने जाऊंगा, जो मेरे पास कैश पड़े हुए, बाकी पेमेंट जो है सब मैंने ऑनलाइन उनको करना ही है, वो मैं करूंगा 12 तारीख को। तो अभी चलते हैं, रील भी निकलवा लेते हैं बढ़िया से, और थोड़ा बहुत बैंक में साइन वगैरह भी जाके करना है तो वो भी कर लेते हैं। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं। ये आ गया अपना गांधी जी, इनके बिना काम नहीं, ये मोटे मोटे 1 लाख रुपए ये हैं, और ये हैं मोटे मोटे 1 लाख रुपए, यानी कि 2 लाख रुपए हैं, ये मैं जा रहा हूँ महिंद्रा में जमा करने, क्योंकि ये नियम हो गया है गवर्नमेंट का कि आप ये मतलब इनको मतलब शोरूम वाले जो भी गाड़ी बनाते हैं उनको बोला है कि 2 लाख रुपए से ऊपर आप कैश पेमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि क्या आदमी करता है, व्हाइट ब्लैक को व्हाइट कैसे करता है, नहीं करता ना पापा जी, किसी 50 लाख रुपए पूरे दे दिए तो उसके तो पैसा व्हाइट हो गए, पर शोरूम वाले कैसे दिखाएंगे कि भाई इसका पैसा आपने क्यों, तो नियम हो गया है कि भाई ये सब चीजें ना हो, इसलिए अपना तो पूरा ही व्हाइट है भाई, जो आता है ऑनलाइन आता है सब उसके सामने अपन ब्लैक करते नहीं है, बट मेरी इच्छा थी कि मैं इनको पूरा पेमेंट कैश में करूं, एक बढ़िया बोरी में भर के लाता, बट मेरे सपने चूर चूर हो गए, मैंने कहा भाई चिल्लर हो, चिल्लर में पड़ी 1 लाख रुपए का चिल्लर भी नहीं ले पाएंगे सर आपसे, हम आप हमें अगर दे रहे हैं, गाड़ी डिमांडिंग है ना भाई, तो अपने भाव बढ़ा रहे हैं ये लोग, है कि नहीं भाई। तो ये अपने पूरे 2 लाख रुपए पड़े हैं मोटे मोटे, और मस्त लग रहा है भाई, इसी के तो लिए दुनिया पीछे पागल है भाई, इसको कमाना है ना अगर आपको, तो भाई अभी घर से निकलो, मेहनत करो, दिमाग लगाओ, तो कमा पाओगे और ऐसे जीवन जी पाओगे जैसे आज हम जी रहे हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत से कुछ नहीं होगा। तो पापा जी सही है, क्या बोलना चाहोगे बच्चों के लिए? मेहनत करो बेटा, और जो बिल्कुल जिस चीज का फोकस किया उसी पे ध्यान रखो। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा हुआ करता था, तो पापा ने मेरे को एक गाड़ी दिलाई थी शाइन, है ना, याद है, गणेश जी का टाइम था, यही टाइम था, और उस टाइम में इतना खुश हुआ था कि यार शाइन आएगी, होंडा की सी भी शाइन, उसके बाद NS 200 दिलाई, कितनी जिद करी मैंने उस NS 200, और ये ना दिलाते ना अगर पापा, तो फिर शायद मैं आज मुकाम पे नहीं होता, आज मैं इतनी गाड़ियां नहीं ले रहा होता। पापा बोल रहे थे क्या तू क्या करेगा गाड़ी लेके, फालतू दौड़ाएगा कॉलेज में, आवाज आएगा। तो भाई ये अपना कैश, इसको लेके चलते हैं और शोरूम में देके आते हैं, चेक करवा लेंगे, सही है, अब वो मशीन से गिने अपन थोड़ी गिन सकते हैं, पूरे गड्ढियां बनी है ना, ये देखो 50,000 ये हो गए, ठीक है 50,000 रुपए ये हो गए, और 1 लाख रुपए ये हो गए, 100-100 के है ना, अब दो अब 2 लाख नोट होते ना तो वो दिखते भी नहीं पापा जी, है कि नहीं। देखो भाई पापा कैसे रिवर्स ले रहे हैं कि कोई बड़ी टवेरा वगैरह वाला है, अरे हम आपका तरीका देख रहे हैं, आप ऐसे गाड़ी मोड़ रहे हो कि ऐसे आप ट्रक की स्टीयरिंग मोड़ रहे हो, इतनी हल्की स्टीयरिंग है इस गाड़ी की, मैं उंगली से घुमा तो करना तो पड़ता है ना, पापा लोग पापा रहेंगे भैया, देखो पड़ेगा, अरे कैमरे में देखो ना, उधर क्यों देख रहे हो, कैमरे की आदत नहीं है आप थार को, तो फिर लगता है मैं टैंक की तरह चलाओगे, जब इसको आप एक ट्रक की तरह चला रहे हो, कैमरे की आदत नहीं है, ठीक है बस। चलो ये कैश ले चलेगी, चलो ये गाड़ी में आजकल ले जाते हैं, मैं चल रहा हूँ दिल्ली थोड़ी है ये, अरे दिल्ली क्या पापा आजकल, चलो रखो ले जाते हैं, चलो भाई ये चेकबुक निकाल लेता हूँ, IDFC की चेकबुक कहाँ गई, इसी में रखी है, इसमें रखी, हाँ निकाल लो उसको। चलो गाइस चलते हैं, यहाँ 16 लाख रुपए ट्रांसफर करवाने हैं महिंद्रा वालों को, तो मैंने बोला आपको भाई जैसे कि वो बैंक के थ्रू ही हो पाएंगे, महिंद्रा के चेंग, हाँ नहीं नहीं, तो भाई यहाँ भी हो गया काम, 16 लाख रुपए पहुँचा दिए हमने कंपनी को, महिंद्रा वालों को RTGS करवा दिया, अब हम जा रहे हैं ये कैश देने, तो 16 और 2 18 और बचे कितने 26 में से 18 माइनस कर लेने की 8 लाख और बचे, वो मैं डिलीवरी के दिन ही लेके जाऊंगा, मेरी चाहती मैं वो 8 लाख और कैश दूं, बट वो लेंगे नहीं क्योंकि 2 लाख से ऊपर कैश लेने का नियम नहीं है,
मतलब मना है इन लोगों को, प्रोटोकॉल में नहीं है जो भी गवर्नमेंट का नियम है। मैं तो बड़े होता चिल्लर उल्लर लेके जाता मस्त एकदम, बट ठीक है चलो। अब पापा ने भाई पहली बार पापा ने थारों के बारे में तो सुना है, पर हम देखी सामने से नहीं देखी अभी तक। नहीं थार देखी तो है, छोटी वाली देखी, बड़ी नहीं देखी। बड़ी नहीं देखी तो पापा अभी पीछे पड़े, बेटा तू स्कॉर्पियो एन ले ले वो। पहले बोलते थे अरे क्या है स्कॉर्पियो, जब मैं लेके आया था बोला बेकार है ये मत ले, इस अच्छी तो वो ले ले तू, टाटा वाटा की ले ले, कोई सफारी ले ले। फिर स्कॉर्पियो पसंद आ गई, अब स्कॉर्पियो कैंसिल करी तो बोलते थार मत ले, स्कॉर्पियो अच्छी है। अब वो दिखाऊंगा तो बोलेंगे कि वो देखो भाई यहाँ टकरा जाएगी मेरी गाड़ी, बहुत टकराना वगैरह काम हो गया। अब ऊंची गाड़ी थी स्कॉर्पियो, हाँ, वो तो है ही बढ़िया गाड़ी, वो दूसरी वाली स्कॉर्पियो वो S11 जो आती है। ये जो स्कॉर्पियो एन थी फैमिली ओरिएंटेड कार थी, जैसे फैमिली टूरिंग एडवेंचर के लिए। बट आप थार देखोगे बोलोगे ये तो बहुत बढ़िया गाड़ी है, आज भी वो ले लो। नहीं आप थार देखोगे तो आप बोलोगे हाँ यही बेटा गाड़ी बढ़िया है, बोलोगे नहीं थार स्कॉर्पियो छोड़िए एक नई गाड़ी आती है ना, वो थार तो फिर साला महंगी पड़ती है। और स्कॉर्पियो में अपने को फीचर्स कुछ भी नहीं मिलते, इसमें कितने अडास सब है। मतलब आप मानोगे, ये मान लो आप हाईवे पे जा रहे हो, ठीक है, आपने उसका फीचर ऑन कर दिया तो जो पट्टी बनी होती है ना हाईवे पे, लाइनें बनी होती है, गाड़ी ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट करेगी, वो चलती रहेगी अपने आप, इतनी फ्यूचरिस्टिक है वो। हाँ इसमें वहां पर रडार लगा हुआ है, मतलब ऑटोमेटिक चलेगी वो। और जैसे मान लो आपको नींद आ रही है तो गाड़ी आपको टूट करके उठाएगी, सेंस कर लेगी भाई तुम सो मत, उठो गाड़ी चलाओ। और जैसे मान लो कोई एकदम से कोई सामने आ गया तो गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग कर देगी, ऑटोमेटिक। हाँ जैसे ये आया ना, आपने ध्यान नहीं है, ठीक है, मान लो ये गाड़ी आ रही है हम यहाँ देख रहे हैं, तो जो थार है वो ऑटोमेटिक रुक जाएगी, ऑटोमेटिक, समझे बाबा जी, क्योंकि उसमें रडार लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ इसलिए बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक गाड़ी हो गई है वो। ये पूरा 2 लाख रुपए भैया को दे दिया है, मैं कह रहा हूँ आप अभी मेरे को बोलो, मैं 8 लाख रुपए और ला के देता हूँ, पूरे कैश दे लो, आपको बोरी भर के ले आएंगे अपन, 100-100 के 10 के नोट। बड़ी मना कर रहे हैं कि नहीं सर दिया नहीं है, 2 लाख रुपए का नहीं है, ब्लैक को व्हाइट नहीं कर सकते अब गाड़ी में, अब सरकार ने नियम खत्म कर दिया, पैसा वाला कोई है ही नहीं इधर तो। ये लो भाई साहब, पैसा लेने कोई आ ही नहीं रहा, बताओ। पैसा लेने कोई नहीं आ रहा, पहली बार देख रहा हूँ, लोग पैसे के लोग मरते हैं। चलो भाई इसमें तो बस तीन ही लोग बैठ पाएंगे, तीन और दो पांच, वो तीन भी अच्छे से नहीं बैठ पाएंगे, ज्यादा नहीं नहीं क्यों नहीं बैठेंगे, तो ज्यादा लंबा किसको लेके किसको जाना ये बताओ। गाड़ी है बढ़िया, गेट तो लगाओ जी। गाड़ी तो बढ़िया है ना, नई एकदम भाई, ये नई फ्रेश गाड़ी है ना, नया प्रोडक्ट है। देखो सनरूफ बनरूफ भी है, हालांकि दूसरा वेरियंट है, MX5 है ये, छोटा वेरियंट है। और क्या चाहिए आप, ये देखो ऊंची कितनी है, सामने बोनट सब दिख रहा है मस्त, ये ऑटोमेटिक वाला वेरियंट है अपना, 4x4 है, तो अपने 4x4 में यहाँ गियर लीवर भी आ जाएगा। और देखो उसमें हैंड ब्रेक कैसा, ऑडी वाला याद है आपको, ऑडी में कैसा हैंड ब्रेक होता था, बटन वाला, वैसा हैंड ब्रेक है इसमें। और फुल एकदम मतलब फ्यूचरिस्टिक गाड़ी, और वाइट इंटीरियर पर पूरा वाइट है, कंधा हो जाएगा तो अपने को कवर लगवाने पड़ेंगे, कंपनी ने वाइट इंटीरियर दिया है, सब कुछ वाइट। अरे इसमें लगता है बैटरी चार्ज नहीं है, ये छोटा नहीं है लेकिन क्या, बड़े सनरूफ वाली भी है पर उसमें क्या है ना कि वो बहुत बड़ा सनरूफ है, तो उसमें जैसे मान लो हमें कहीं बाहर गए, हमें कुछ स्टैंड वैंड कसना रहा है ऊपर गाड़ी में, कुछ कर तो हम नहीं कर पाएंगे, उसमें मात खा जाएंगे हम, इसलिए हमने ज्यादा सनरूफ वाला चूज किया। ज्यादा फर्क नहीं है, 26 लाख की अपनी है, 27-1 लाख का फर्क है, पर अपने को वो चाहिए ही नहीं, हल्की थोड़ी है आपकी सुजुकी की तरह। अच्छा ये अगर ये गियर लेते हैं तो कम पड़ेगी, 4 लाख रुपए। ये ऑटोमेटिक है। अच्छा ऑटोमेटिक ये है। अगर मैनुअल लोगे तो 1 लाख रुपए कम पड़ेगा। अच्छा। और 4x4 लोगे तो 2-2.5 लाख रुपए और कम हो जाएंगे। ये भी 4x4 होगी ना, ये 4x2 है, 4x4 में यहाँ अलग गियर आता है। अच्छा। ये 2 ही चक्के चलेंगे इसके, 4 नहीं चलेंगे। अच्छा। ये 2 लाख रुपए कम है, पर ऑन रोड मिला के 2.5 लाख रुपए हो जाता है, क्योंकि फिर RTO भी बढ़ जाता है ना भाई। चलो आ जाओ। तो भाई सब डन हो गया। अच्छा शरीफ की लिस्ट यहाँ डाल दूंगा, अब मजबूरी है सर्विस लेने का, मतलब उन्होंने 40 जोड़ी थी, फिर मैंने उनको बोला भैया यार क्या मतलब है बताओ, इतना हम आपकी वो कर रहे हैं, आप फिर डिलीवरी ले रहे हैं आपके शोरूम से, हैं इतने लोग आएंगे सब देखेंगे, नाम होगा,
तो बोला ठीक है सर, सुमित सर आपके लिए 25 की कर दो। मैंने नहीं 20 की कर दो, चलो। तो मैंने कहा चलो 25 की कर दो, 25 की कर दी उन्होंने एसेसरीज। उसमें भाई वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो तो मैं बाहर से भी लगवाते, मुझे तब भी तक खर्चा पड़ता। तो मैंने कहा वो वर्थ इट चीज़ें, जैसे कि मैंने एक रेडर ग्रिल की प्रोडक्शन आती है वो लगवा ली, मड फ्लेप, रेन वाइजर, मैटिंग 70 वाली, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें वो मैंने वो सब इसमें ऐड करवा ली। तो एसेसरीज 25,000 की मैंने, बाकी इंश्योरेंस जो है मेरा हो गया बढ़िया, जीरो टैप ले लिया मैंने, उसमें वायरिंग कटिंग वटिंग चुआ हुआ मतलब सब कंप्लीट उसमें ले लिया मैंने। और पापा का दिल अभी भी स्कॉर्पियो भी पड़ा हुआ है। अब पहले तो कह रहे थे अरे नहीं नहीं बेकार है बेकार है, ये मतलब तुम तो सुजुकी वगैरह लो, महिंद्रा सक्सेस नहीं है, महिंद्रा ये महिंद्रा वो, इन्हें ली नहीं आता गाड़ी पापा ने महिंद्रा की, बस प्रॉब्लम टोयोटा वोटा चलाई इनोवा टवेरा वो, तो बस इसीलिए वो रहता है। ये देखो माओ भाई खाना नहीं खा रहा 3 दिन से, पता नहीं क्या हो गया उसको, बीमार पड़ गया कोई है। हमें थार रॉक्स आई है, बाहर खड़ी है, बाहर अभी रही है, थार रॉक्स आई है, बाहर खड़ी है। हमें थार रॉक्स लेके आया हूँ, आओ आओ कहाँ इतनी जल्दी कैसे, बाहर खड़ी है आके देख लो, खड़ी है ना, नहीं ना बोलती ना, हाँ खड़ी है जाओ। 11 तारीख को रेडी रहो बेटा नवमी पे, 11 की 12 कहाँ चल रहा है तुम लोग को बताओ, पहली ट्रिप पे थार में कहाँ कौन से मंदिर घुमा के लाऊं, मंदिर हाँ चीन भगवान, चीन हाँ लास्ट टाइम ऑडी थी अभी वहीं गए थे वहाँ भी लेंगे। ओ नाचो मेरी भाई, पहली बार लाइफ में एक एसयूवी गाड़ी ऑन करने वाला हूँ, वो भी इतनी महंगी और उसमें अडाफ मिलेगा, क्या क्या फीचर्स नहीं मिलेंगे, और फोर व्हील ड्राइव गाड़ी मेरे पूरे खानदान में पहली बार मैं ले रहा हूँ। तू तो हर गाड़ी पहले ही लेता है, तो खानदान जो भी गाड़ी गाड़ी करने वाला एक ही तो है, सुमित बरयानी MP04 राइडर। तुम लोगों को खुशी क्यों नहीं है बताओ, खुशी नहीं है, खुशी नहीं है आपको, हमें तो नहीं लग रहा, खुशी क्यों नहीं, क्यों चेहरे पे खुशी क्यों नहीं है ये बता पहले मेरे को, बता तुझे क्या लग रहा है, अब चलते हैं झाकी वाकी का अभी कुछ नहीं, थार उसका वेट करो, अभी ब्लॉग खत्म नहीं, ब्लॉग कभी और बनाएंगे अपन, रात पड़ी है पूरी गरबा दिखा दूंगा आपको, आज लास्ट गरबा आज आपको गरबा दिखाऊंगा, रिकॉर्ड कराऊंगा भाई लाओ देखो मेरा गरबा। और 11 तारीख को मिलेगी भोपाल नहीं MP की पहली थार हमको 11 तारीख को, यस पहली डिलीवरी हमारी होने वाली, यस यस यस। तो भाई लोग गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे, कल हम 3 बजे तक घूमें क्योंकि कल लास्ट गरबा था हम लोगों का भी व्यक्तिगत, मैंने कहा यार ये लास्ट दिन है, फिर एक साल बाद ये मौका मिले ना मिले, हम बड़े हो जाएं हमारे बच्चे हो जाएंगे तो फिर हम ये सब कुछ कर पाएं या ना कर पाएं, इसलिए कुछ ही टाइम मेरे पास बचा है 2 से 3 साल, मैं मस्त इन्जॉय किया कल। एंड गाइस हाँ 11 तारीख को, आज है 9 तारीख यानी कि एक दिन बाद, आज का दिन और 10, आप देख रहे हो वीडियो 9 को, तो यानी कि आपके लिए भी मेरे लिए 2 दिन, आज और 10 तारीख का दिन, 11 तारीख को लेने वाला हूँ मैं भोपाल की MP की पहली थार रॉक्स की डिलीवरी। तो गाइस बी रेडी फॉर दैट, और बहुत अच्छी डिलीवरी इस बार मैं लेने वाला हूँ। मीटअप मैंने नहीं रखा है क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम मुझे मिला, ठीक है, गाड़ी एकदम से कन्फर्म हुई कि हाँ भाई मुझे मिल रही है, मैंने बहुत जुगाड़ करी, तो अब उतना टाइम भी नहीं बचा क्योंकि मैं मीटअप रखूँगा तो आप लोग के लिए गिवअवेज लेके आऊँगा बहुत सारे, मतलब आग मूतना है मेरे को मीटअप पे इस बार, तो इसलिए मैंने मीटअप अभी इसको डिले कर दिया है, बाद में कभी मीटअप करेंगे। एंड गाइस अब आप बताओ कि आपको कौन से ट्रिप पे जाना पसंद है, मतलब मैं कहाँ पे जाऊँ, नेपाल जाऊँ या फिर भूटान, कमेंट करके बताओ फटाफट मेरे को, या फिर अपन कहीं और जाते हैं, कोई और कंट्री बताओ आसपास, जैसे शुरुआत अपन छोटी कंट्री से ही करेंगे, जैसे मेरे लिए इंटरनेशनल जाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि मैं अभी कंट्री से बाहर निकला ही नहीं आज तक, मैं फॉरेन गया ही नहीं हूँ, इंडिया में बहुत घूम चुका हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक बार नेपाल का एक्सपीरियंस लेके आऊँगी, नेपाल से अपन चाइना जाएंगे, चाइना से फिर अपन वहाँ से अपन आगे बढ़ सकते हैं कहीं अगर जाना हो अपन को रशिया वगैरह, तो ठीक है, तो नेपाल या फिर भूटान दोनों में से कोई एक कंट्री आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कहाँ पर जाना है अपनी थार रॉक्स को लेके।
एंड डिलीवरी पे बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मैंने डिलीवरी बहुत टैक्सेबल की रखी है। एक बहुत बढ़िया मेरे गाड़ी आने वाली है तो उस पे अपन जाएंगे और मतलब बहुत यूनिक कुछ मैंने सोचा है, आपको पता पड़ेगा वीडियो में। मतलब डिलीवरी ऐसी होगी कि आपने सोची भी ना होगी यार ये बंदे ने क्या कर दिया, ये सुमित भाई ने क्या कर दिया। इसके बाद अपने को रोकना नहीं है, आगे बढ़ते ही जाना है क्योंकि मैंने सब कुछ इस गाड़ी में लगा दिया है अपना। तो बिल्कुल कंटेंट बनाना है आप लोगों के लिए, मेहनत करनी है और व्यूज़ को अपने सब्सक्राइबर वापस गेन करने हैं जो मेरे चले गए थे। ठीक है गाइस, तो बस सुमित वैरानी नहीं MP0 Fielder 3.0 आने वाला है इस कमिंग सून, तो वेट करना उसके लिए। एंड कमेंट करके बताओ कि पहला ट्रिप कहाँ जाए, नेपाल या फिर भूटान। तो गाइस ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ सुमित विद सोता हुआ माऊ। जय हिंद, जय भारत। तेरे फेस जीसा छोरा रखे डोला, जित जावे उते करे रोला टोरा, कमाड़े छोरे गायो देख टोरा, काले शीशे गड्डी रखे रखे गोड्डा, तेरे फेस जीसा छोरा रखे डोला, जित जावे उते करे रोला। रोला करते फिरते सड़कों ते मंडे रोज, लाल नीली बत्ती रवे देख हमें खोज, पर लेते नहीं हम टेंशन का कदी बोझ, तू बस हमारी अप्रोच की पहुंच सोच। अरे गहरे नहीं ये लड़के तेरे हाथ आए, गोड़ी चले सीधी न चले दाएं बाएं, रेंज काफी ज्यादा कवे मने वाईफाई, शौक सारे पार रखे देख हाई फाई। छोरा जट्टा का, छोरा गुजरा का, छोरा राजपूत, छोरा बामणा का, सारे भाई रवे गैड़ मेरे, और फौज मेरी ठाड़ी देख लेके घूमे काली गाड़ी, काली गाड़ी देख बजे यहाँ पे वूफर, कांड करे देख बजे यहाँ पे हुटर, लौंडे सारे देख गैल हमारे शूटर, सारे देख कवे मने मैन वो भी सुपर। कमाड़े छोरे का यो देख टोरा, काले शीशे गाड़ी रखे रखे गोटा, तेरे फेस जीसा छोरा रखे डोला, जित जावे उते करे रोला टोरा। कमाड़े छोरे का यो देख टोरा, काले शीशे गाड़ी रखे रखे गोटा, तेरे फेस जीसा छोरा रखे डोला, जित जावे उते करे रोला।